भगवान शिव की सवारी नंदी कैसे बनी, आइए इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं और इसकी पौराणिक कथाओं को विस्तार स्वरूप समझते हैं। भगवान शिव की सवारी नंदी है और आपने शिव मंदिरों में देखा भी होगा कि शंकर भगवान के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहती है। शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा करना भी जरूरी होता है और भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी कैसे भगवान शिव की सवारी बने, आइए इसे विस्तार से जानेंगे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और उसके अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा और इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उसे उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफ़ी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। तब शिव जी की आवाज़ आई कि शिलाद यही तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने के लिए अपने साथ लेकर चले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर दो सन्यासी पहुँचे, उनका खूब आदर सत्कार किया गया। कहते हैं कि इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा कि आपने नंदी के बारे में या नंदी को आपने एक भी आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। यह बात सुन नंदी सुन रहा था और उसने ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वो ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगा और कठोर तपस्या किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया उन्होंने और इसके बाद से भगवान शिव के साथ ही नंदी की भी पूजा की जाने लगी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय महादेव।